رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آمد رمضان سے ایک دن پہلے جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات میں اجتماع جمعۃ المبارک میں مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے، تراوی پڑھنے اور دیگر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد امت مسلمہ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا
जौंका ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा रहमत और अब्र करम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से एक दिन पहले सहाबा किराम रदी अल्लाहु ताला अन्हुम को फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुम मुबारक, कि तुम पे साया फगन है वो महीना जो कि अजमत वाला महीना है और बरकत वाला महीना है। तो इस बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा के लिए ये खुशखबरी है, वबाओं बलाओं से निजात के लिए बरकात रहमतों के हमराह सादतों बख्शिशो मगफरत के हमराह उम्मत मुस्लिमा को नवाजने के लिए अल्लाह की तरफ से रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ गया है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उम्मत मुस्लिमा को मायूसियों से निजात मिलेगी, गुनाहों के बोझ से निजात मिलेगी, रिज्क में इजाफा होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, शहरुन युज़ाद वफ़ीही रिज़्कुल मोमिन, कि ऐसा महीना आ गया है कि जिसमें मोमिन के रिज्क को बढ़ा दिया जाता है। रिज्क के यहाँ मुहद्दिसीन ने दो माने बयान किए कि आमाले सालेहा को भी रिज्क कहा जाता है और दूसरा रिज्क का जो उर्फ में माना समझा जाता है वो भी मुराद है, कि इस महीने में मोमिन को आमाले सालेहा की ज़्यादा तौफीक मुयस्सर आती है और आम महीनों के मुकाबला में इस महीने के अंदर नेकी का काम करना आसान होता है और मोमिन ज़्यादा नेकियां कमा लेता है। और दूसरा ये है कि रिज्क में भी हिस्सी तौर पर भी इजाफा होता है, तो जिन हालात में उम्मत मुस्लिमा गुज़र रही है लॉकडाउन की वजह से रिज्क की बंदिश का सामना है, तो इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यकीनन रमज़ान आने से रिज्क में इजाफा होगा, वो इजाफा आमाले सालेहा के लिहाज से भी और वो रिज्क की हिस्सी और मानवी बरकत के लिहाज से भी उम्मत मुस्लिमा को इजाफा अल्लाह के फ़ज़ल से मुयस्सर आएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में मज़ीद ये भी इरशाद फरमाया, लौ यअलमुल इबादु मा फी रमज़ान, अगर बंदों को पता चल जाए कि रमदानुल मुबारक में क्या कुछ है, लतमन्नत उम्मती, तो ज़रूर मेरी उम्मत ये तमन्ना करती, अन यकून सना कुल्लहा, कि रमज़ान महीना ना हो बल्कि रमज़ान पूरा साल हो। अगर उम्मत को पता चल जाए कि इसमें उम्मत को क्या कुछ मिलता है तो लोग कहें फिर 29 या 30 दिन ही नहीं, हमें पूरे साल में ही ज़रूरत है कि ये ऐसा मौसम महीने में नहीं पूरे साल में ही बरकरार रहे कि जिसके अंदर
इस कदर नवाजशात है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की खुशखबरियाँ सुनाते हुए साथ रमज़ानुल मुबारक का जो हसास वक्त है इसकी तरफ भी मुतवज्जे किया। जो चीज़ ज़्यादा कीमती हो वो ज़्यादा हसास भी होती है। मसलन शबे कदर हज़ार महीने से बेहतर है तो बहुत कीमती रात है, उसकी नवाजात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हसास भी बड़ी है कि अगर वो रात गुनाहों में माज़ल्ला गुज़री तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। जिस लिहाज से नेकी में कसरत है, अगर किसी ने हक उसका ना अदा किया तो फिर खसारा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकू शहरा रमदान, रमज़ान के महीने से डर के रहो। फत्तकू शहरा रमदान, रमज़ान के महीने से डरो, यानी ये ऐसी हसास चीज़ है कि इससे डरना चाहिए, ख़तरा भी बड़ा है। फत्तकू शहरा रमदान, रमज़ान के महीने से तुम डर के रहो। क्यों? फरमाया फ़इन्नहु शहरुल्ला, चूँकि ये अल्लाह का महीना है। यानी डरने की जो वजह बयान की कि इसका एक एक दिन बड़ा कीमती है, डर के रहो कहीं गफलत ना हो जाए, डर के रहो कहीं कोई नमाज ना छूट जाए, डर के रहो कहीं रोज़े में कोई कमी ना आए, डर के रहो कहीं तरावी में सुस्ती ना हो, डर के रहो कहीं इस महीने में तुम मासियत और नाफरमानी की तरफ न चल निकलो। डर डर के रहो कि ये बड़ा हसास वक्त है, क्योंकि फ़इन्नहु शहरुल्ला, ये अल्लाह का महीना है। और फरमा लकुम आहद आशारा शहरन, तुम्हारे लिए ग्यारह महीने हैं, एक अल्लाह का है। लकुम अहद आशरा शहरन, तुम्हारे लिए ग्यारह महीने हैं। किस लिहाज से? तकुलून फीहे व तशरबूना, कि जिन महीनों में दिन के वक़्त तुम खाते भी हो पीते भी हो। तो ये इस लिहाज से ग्यारह महीने तुम्हारे लिए हैं और एक महीना साल में अल्लाह के लिए है, यानी दिन का वक़्त जो है उसके अंदर खाना पीना अल्लाह की तरफ से मना कर दिया गया। इंशाल्लाह जब अगला जुमा होगा तो इस वक्त सब पे पाबंदी होगी खाने पीने पर। वही चीज़ जो आज खाना जायज़ है, उस दिन अगले जुमे रोज़े की वजह से नाजायज़ होगी, ममनू हो जाएगी रोज़े की वजह से। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लकुम आहद आशारा शहरन, तुम्हारे लिए ग्यारह महीने हैं। तकुलू न फीहे व तशरबू न, तुम उसमें खाते भी हो पीते भी हो। व तलज़्ज़ू न, और तुम उसमें लज्जत उठाते हो ग्यारह महीनों में। व जाला ले नफ्से ही शहरन, रब ने अपने लिए एक ही महीना रखा है, तुम्हारे लिए ग्यारह महीने हैं और एक महीना रब्बे जुल जलाल ने अपने लिए रखा है। ये जिक्र करके सरकार ने फिर फरमा फत्तकू शहरा रमदाना, फिर रमज़ान से डर के रहो कि रब्बे जुल जलाल ने ग्यारह महीने तुम्हें खुली छुट्टी दी है। खुली इस लिहाज से कि जो हलाल चीज़ें हैं अल्लाह की तरफ से दिन में जिस घड़ी चाहो खा पी सकते हो, हराम की तो वहाँ भी पाबंदी है ग्यारह महीने में भी, लेकिन
जो हलाल हैं इस महीने में वो हराम तो नहीं लेकिन ममनू हो जाएंगी, मना हो जाएंगी अल्लाह की तरफ से कि अब तुम वो चीज़ खा पी नहीं सकते। और लज्जत उठाना जो पहले था अब वो अल्लाह की तरफ से उसे रोक दिया गया। बिलखुसूस यानी जो रोज़े की तारीफ में है वल इमसाकु अनिल अक्ले व शुरबे वल जमाए मिन तुलुइल फज्र इला गुरूबे शम्स, के रोज़ा ये है कि रुक के रहना खाने से पीने से और जमा से तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक। तो ये रब्बे जुल जलाल ने एक महीना अपने लिए करार दिया। और इसी मुनासबत से वो हदीस भी इरशाद फरमा दी जो आधी हदीस नबवी है और आधी हदीस कुदसी है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफ, इब्न आदम का हर नेक काम जो है उसको बढ़ाया जाता है अल्लाह की तरफ से, उस के अंदर अफजाइश आती है। अलहसना तो एक नेकी के साथ रब दस और मिला देता है, इला सभी में अत देफिन 700 तक, इल्ला सौम सिवाय रोज़े के। आगे हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए और इसकी जजा मैं ही देता हूँ। यानी यहाँ 700 तक नहीं बल्कि इसकी इतनी जजा है कि फरिश्तों को भी अदद मालूम नहीं कि रब कहे कि फरिश्तों फलां को इतना सवाब दे दो, क्योंकि उनके इल्म में ही नहीं कि वो अदद जो रोज़े के सवाब के लिए इस्तेमाल हो सके। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना सवाब देना है। तो ये मुनासबत है आगे कि 11 महीने तुम्हारे हैं, एक महीना मेरा है। और अगरचे नमाज भी अल्लाह के लिए है, हज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी उसी की रज़ा के लिए है, जिहाद भी उसी की रज़ा के लिए है, लेकिन सबसे जुदा करके वो कहता है रोज़ा मेरे लिए है। तो ये इस ख़ास नस्बत की बुनियाद पर रब्बे ज़ुल जलाल ने इसे अजमत दी। तो सरकार फरमाते हैं फत्तकू शहर रमज़ान फ़इन्नहू शहरुल्ला, रमज़ान के महीने के तकद्दस का बड़ा ही ख्याल रखो चूँकि ये अल्लाह का महीना है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर रमज़ानुल मुबारक की अजमत के लिहाज से ये इरशाद फरमाया। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाखला शहर रमदान शद्द मिज़ारहू, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना दाखिल होता था तो कमरे हिम्मत बांध लेते थे, शद्द मिज़ारहू, इज़ार कहते हैं तहबंद को। तो मुशक्क़त वाला सख्त काम करने के लिए तहबंद को अच्छी तरह मजबूती से बांधा जाता है। तो मुराद इससे है बहुत ज़्यादा इहतमाम करना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी यानी इतनी कसरत से इबादत करते थे कि पाँव में वर्म आ जाता था, और वर्म ही नहीं बल्कि फटन तक के अल्फाज मौजूद हैं। लेकिन यानी फटन क़याम की वजह से कि सूजे और सूजने के बाद फिर भी जब मज़ीद क़याम किया गया तो वो फटने तक पहुंच गए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उससे भी ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे
کہ میری امت اہتمام کرے کہ میری ہر گھڑی جو قرب خدا میں گزرتی ہے اور میرے نامہ اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں، دور دور تک کوئی دھبا نہیں معصیت کا، اور اس کے باوجود میں رمضان میں اس قدر بندگی کرتا ہوں، تو میری امت تک جب یہ بات پہنچے تو انہیں شوق پیدا ہو کہ وہ مہینہ آیا ہے کہ جس مہینے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں کے مقابلے میں مزید زیادہ بندگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس قدر کمرے ہمت باندھتے تھے کہ رمضان کا جب چاند طلوع ہوتا تھا تو اس کے بعد رمضان گزرنے تک بستر پر آپ کا پہلو لگتا ہی نہیں تھا۔ لم یأت فراشہ، اپنے بستر کے پاس نہیں آتے تھے، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جائے۔ اور اس میں پھر مزید جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عشرے سے پھر دوسرے عشرے میں مزید کثرت، اور دوسرے سے پھر تیسرے عشرے میں مزید کثرت۔ وَأَيْ قَضَى أَهْلَهُ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اہل کو بھی اس میں بیدار رکھتے عبادت کے لیے۔ تو یہ اس مہینے کے آمد سے پہلے ہمیں اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر و قیمت جاننی چاہیے تاکہ کوئی ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو۔ چونکہ موسم بہار اگر گزر جائے، حالانکہ بندے کے پاس زمین بھی تھی، بیج بھی تھا، اور بیج کاشت کرنے کے وسائل بھی تھے، مگر اس کے باوجود اگر خدا نخواستہ وہ بیج کو کاشت نہ کر سکا تو بہار کا اسے فائدہ کیا ہوگا، زمین کا اسے فائدہ کیا ہوگا، بیج کا اسے فائدہ کیا ہوگا۔ یعنی جب اس نے کاشت ہی نہیں کیا تو کل جب لوگ کٹائی کریں گے تو یہ کس چیز کی کٹائی کرے گا؟ جب لوگ اپنا خرمن تولیں گے، بوریاں بھریں گے اناج کی، تو یہ کس چیز کی بھرے گا؟ اس نے تو کاشت ہی کچھ نہیں کیا، کاشت کرتا تو پھر پیداوار اس کو ملتی۔ تو اب وہ موسم شروع ہونے والا ہے بیج بونے کا، کہ جس کی پیداوار عید کے دن نظر آئے گی، اور اگر بیج بونے کے دن معاذ اللہ کسی نے سو کے گزار دیے تو پھر کٹائی کس چیز کی وہ چاہتا ہے، پھر بوریاں کس چیز سے بھرنا چاہتا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں پھر عید کے دن وہ ریزلٹ کس امتحان کا سننے آیا ہے؟ جب اس نے پیپر ہی نہیں دیے تو پھر وہ کیا امید رکھتا ہے کہ عید کے دن اسے دوسروں کی طرح انعامات ملیں جنہوں نے دن رات اعمال صالحہ کی فصل اگائی تھی اور دن رات پانی دیا تھا نیکی کے باغ کو، اور فصل ہری بھری ہوئی تھی تقویٰ و پرہیزگاری کی۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی قدر و قیمت بیان کی، اور پھر بھی جتنی بھی بیان ہوئی، جو ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت جان لے کہ کیا کچھ ہے رمضان میں، وہ ما فی رمضان کا جو لفظ ما ہے وہ ہمیں پھر بھی معلوم نہیں ہو سکے گا ساری زندگی بیان کر کر کے بھی، کہ وہ اگر پتہ چلے تو پھر واقعی سب تمنا کریں کہ کاش کہ ساری عمر ہی رمضان رہے، چونکہ سارا سال رمضان کا تو یہی مطلب ہوگا پھر
कि सारी उम्र रमज़ान रहे, इससे पता चला कि अभी बहुत कुछ बाकी है। कि रमज़ान की फजीलत तो वो है मगर लफ्ज़ों में वो बयान नहीं हो सकती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ बयान कर दिया, वो भी इतना है कि हम समझें तो क़यामत तक वो खुराक भी ख़त्म ना हो। लेकिन फिर भी फरमाया कि जो कुछ इसमें है अगर उम्मत को पता चल जाए तो फिर वो तमन्ना करे कि अल्लाह सारा साल ही रमज़ान करार दे दे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में एक मकाम पर ये भी इरशाद फरमाया, बहकी शुअब ईमान में उसको ज़िक्र किया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को इस लिहाज से भी मजीद नवाजा कि अगर सारे ही रख रहे हों तो फिर तो वैसे आसानी है, क्योंकि जब माहौल बना हुआ हो तो सबके लिए आसानी होती है। अब यही रोज़ा रमज़ान के बाद रखना क्यों मुश्किल हो जाता है, यानी नफली रोज़ा या शव्वाल के जो छः रोज़े हैं, कि उस वक़्त माहौल ने रोज़ा नहीं रखा होता, यानी घर में बाकी अफराद का रोज़ा नहीं है सब का या बाज़ का, महल्ले में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, तो इस वजह से फिर उस वक़्त रमज़ान के मुकाबले में रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा माहौल हो कि रमज़ान में भी कुछ लोग किसी घर में रोज़ा नहीं रखते या किसी दफ्तर में रोज़ा नहीं रखते या कहीं किसी सोसाइटी के अंदर रोज़ा नहीं रखते, तो अब इस रोज़ेदार को मुश्किल पेश आती है कि दफ्तर में ये अकेला इसने रोज़ा रखा है, बाकी खा पी रहे हैं, तो इसको इस लिहाज से अब ज़्यादा आजमाइश से गुज़रना पड़ता है कि बार बार इसे खाने पीने का ख्याल आता है और इसको फिर अपने आप को समझाना पड़ता है। और ये जो सूरत हाल बनती है तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लिहाज से भी उम्मत की रहनुमाई की, और फिर वो सिर्फ एक मसले में नहीं, वो हर मसले में उम्मत की रहनुमाई करार पाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व तस तक फिर लहुल मलाइका तो मा उकिला इंदहू, के रोज़ेदार के पास जब तक खाया जा रहा हो, उसने तो रोज़ा रखा है बाकी खा रहे हैं, तो जब बाकी खाएं तो इसके रोज़े का दर्जा बढ़ता जाता है, यानी जब माहौल में बाकी खाएं तो इसके रोज़े का दर्जा किस तरह बढ़ता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इसके पास किसी ने 10 मिनट खाना खाया तो 10 मिनट रब ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई कि तुम इसके गुनाहों की बख्शिश की दुआ करो, क्योंकि ये खाने वालों के दरमियान में रोज़ा रख के बैठा हुआ है। अगर उसके पास किसी ने घंटा खाया तो इसका मजीद दर्जा बढ़ गया कि रब ने फरिश्तों को एक घंटा ड्यूटी लगा दी कि इसके लिए मजीद दुआएं मांगो, कि ये बेरोज लोग जो है उनके दरमियान रोज़ा रख के बैठा हुआ है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चूँकि हर किस्म के हालात थे क़यामत तक के, तो हर जहत से हौसला अफजाई फरमाई। अगर सारे रख रहे हैं तो उसमें यकीन नूर नला नूर है, मगर अगर बाज जब नहीं रखते तो उस सूरत हाल के अंदर जो रख रहा है उसके रोज़े का रेट बढ़ गया है, यानी आम सीज़न में जब सारे रख रहे हों तो फिर रोज़े का वो दर्जा नहीं जो उस वक़्त दर्जा है कि जब दूसरे नहीं रख रहे और ये फिर भी रख रहा है। और इस पर फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर इबादात के लिहाज से भी कई वजूह को बयान किया। मसलन फरमाया कि सोए हुए लोगों के बीच से उठ के जो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे,
کہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں اور اس نے جاگ کے تہجد کی نماز وضو کر کے نفل شروع کر دیے ہیں، تو اب اس کی تہجد کا ثواب اس شخص کی تہجد سے زیادہ ہے جہاں سارے ہی تہجد پڑھ رہے ہیں. اور فرمایا ایسے ہی لوگ غافل بیٹھے ہوں اور ایک ان میں سے اللہ کا ذکر شروع کر دے، تو اب ان غافلین میں جو ذکر کرنے والا ہے، یہ ذاکرین کے اندر جو ذکر کرنے والا ہے، اس سے یہ بڑا درجہ رکھتا ہے. یعنی ہر نیکی جو ہے وہ اس وقت اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جب اس کی اپوزیشن مضبوط ہو جائے. یعنی اس نیکی سے جوں جو رکاوٹیں بڑھتی ہیں، نیکی کرنے پر رکاوٹیں آتی ہیں اور بندہ پھر بھی کرتا ہے، تو رب اس پر زیادہ ثواب دیتا ہے. یعنی اپوزیشن اگر نہ ہو تو پھر بھی نیکی تو نیکی ہے، لیکن اپوزیشن ہو تو پھر بھی نیکی ہو، تو اس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ بدی سے محفوظ ہیں کہ اس بدی کا موقع نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بدی سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اس قدر بدی کرنا آسان ہو گیا اور پھر بھی بدی نہ کی، تو اب اس تقوی کا ریٹ اللہ کے دربار میں زیادہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگے ظالم میشود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، جوانی میں توبہ کرنا، اور جب پیری یعنی بزرگی آ جاتی ہے بمانا بڑھاپا، تو وقت پیری گرگے ظالم میشود پرہیزگار، وہ بھیڑیا جو روزانہ چیر پھاڑ کرتا تھا جب وہ لاغر ہو گیا، اٹھ ہی نہیں سکتا، اب چھلانگ ہی نہیں مار سکتا، دوڑ ہی نہیں سکتا، تو اب وہ کیا بھیڑے اٹھا کے بھاگے گا، اب اس کا چلنا ہی مشکل ہے. تو وقت پیری گرگے ظالم میشود پرہیزگار، کہ ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں تو پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب بدی کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کرے، تو اس پر زیادہ درجہ ملتا ہے. تو اب روزہ جس وقت جیسے دوسرے توڑ کے پھر رہے ہیں، یہ بھی توڑ سکتا تھا یا نہ رکھتا، لیکن اس نے پھر بھی رکھا ہے. دوسرے اپنی آنکھوں کو بدکاری کرا رہے ہیں گندی فلمیں دیکھ کر یا غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر، اور اس کے سامنے بھی بھرا بازار ہے، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا ہے. تو ایک وہ شخص ہے کہ جس کی آنکھ پاک رہی گھر بیٹھے، دوسرا وہ کہ جس کو مجبوراً بازار جانا پڑا مگر آنکھ پھر بھی پاک رہی. تو اب اس کا اپوزیشن کے اندر بھی اپنے تقوی کو بچا کے رکھنا اس کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حوصلہ دیا کہ اول تو یہ ہے کہ اپوزیشن نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، لیکن رکاوٹ اگر ہو تو پھر بھی تمہارا تو اس میں بھی بھلا ہے. یعنی جب جمعہ پڑھنے کی کوئی پابندی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی لحاظ سے بھی، جمعہ تو پھر بھی جمعہ ہے، اور اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، لیکن جب رکاوٹ کے باوجود بھی پڑھو تو پھر اس جمعے کا وہ مقام ہے جو عام جمعے کا مقام نہیں ہوتا. یعنی یہ ہے یوں جیسے غافلین میں ذاکر بیٹھا ہے ذکر کرنے والا، یہ یوں ہے جیسے سوئے ہوئوں کے بیچ میں تہجد گزار بیٹھا ہے، یہ یوں ہے کہ جیسے روزہ نہ رکھنے والوں کے درمیان میں روزے دار بیٹھا ہے. تو اس بنیاد پر مومن کی تو پانچوں گھی میں ہے، تو کبھی بھی مومن کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ یہ امت ہے ہی ایسی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت میں اس کے لیے حالات کے لحاظ سے
इसके दराजात का ऐलान किया है और इसके लिए ऐसी रहनुमाई की है कि जिससे यह नाउमीद नहीं होता, जिससे यह परेशान नहीं होता, बल्कि इसकी मायूसें, इसकी उम्मीदें हमेशा हरी भरी रहती हैं। कोई रोकता है तो फिर अलहदा मेरिट है, नहीं रोकता तो फिर अलहदा मौज है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर जिहत में इतने जामे फरमान इस उम्मत को अता किए, इस कदर जामे तरीके से कि जो अगर अपोजिशन और रुकावट नहीं बनती तो फिर भी जाहिर है कि बड़ी आसानी है, नेकी है, लेकिन अगर बनती है तो उसके सामने जो लेट ना जाए, बल्कि उसके होते हुए भी जो अमल करके दिखाए अपना तरीका इस्लाम का जो है, तो उस पर रब्बे जुल जलाल आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा सवाब अता फरमाता है। इस वक्त रमजानुल मुबारक की आमद से कबल आज का ये हमारा जुमा, इसमें तरावी की अदायगी के लिहाज से मुकम्मल तैयारी ज़ेहनी तौर पर होनी चाहिए और जो जिस पर उम्मत का इजमा है वो 20 रकत तरावी है। क़ियामुल लैल और चीज़ है, तहज्जुद और चीज़ है, तरावी और चीज़ है। और सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में जिस पर सारे सहाबा का इजमा हुआ वो 20 रकत हैं। अगर कम होती तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई से अभी तो कहते, वहाँ तो एक औरत को भी बात करने की इजाज़त थी कि जब अमीरुल मोमिनीन ने हक मार मुकर्रर किया, अभी मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे तो औरत ने आके रोक लिया कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ किनतार बोला है जिसका मतलब होता है ढेर माल, ढेर दिरहमो दिनार का ढेर, तो तुम किस तरह मुयन कर सकते हो जब रब किनतार फरमा रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन फौरन मिंबर पे चढ़े तो फरमाया का असाबतिल मरअतु व अख्तर रजुल, मर्द ने गलती की, औरत ने मसला सही बता दिया। तो अगर कोई भी इसमें सुकम होता 20 रकत में तो कोई तो सहाबी बोलते कि अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं। जब कोई भी नहीं बोला और सब मुत्तफिक हुए 20 रकत पर, और हमेशा इस साल से पहले 14 सदियों में हमेशा मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद हराम में 20 रकत ही पढ़ी गई हैं। ये बाकायदा दोनों मसाजिद की तारीख तरावी की मुरतब की गई है, कभी भी वहां 8 नहीं हुई, हमेशा 20 पड़ी गई है। और अब 10 पर एक नया कौल किया जा रहा है और ये अजीब सूरत हाल है। कोरोना भी अजीब पढ़ा लिखा कोरोना है, इसकी आदतें भी बड़ी अजीब हैं। यानी वहां सऊदी अरब में ये तब हमला करता है कि जब 10 के बाद मजीद 10 पड़ी जाए। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 7 खड़े होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमला उसने तब करना है जब अगली 10 पड़ी थी। और पाकिस्तान में 20 पर हमला नहीं करता, 10 के बाद भी नहीं करता, लेकिन 7 खड़े खड़े हो तो फिर कर जाता है। यानी कोरोना का अपना अपना अंदाज है, जबकि हमारा तो एक ही दीन है, अरब अजम का दीन एक है, सर्दी गर्मी का दीन एक है, पढ़े हुए अनपढ़ का दीन एक है, बशर्ते के हो कोई दीनदार। तो इस बुनियाद पर अब देखो, वहां कल तरावी हुई है तो उन्होंने दरमियान में गैप नहीं रखा, दरमियान में कोई खाली जगह नहीं थी। और हमें जो इधर कहते हैं कि उनकी तकलीद करो, उनको देखो, उनको देखो, तो अब हम हुकूमत वक्त कहते हैं कि अब भी उनको देखो। अब यहां यानी कभी जिग जैग दीन बनाया हो, कभी इधर से चलते हैं, कभी इधर से गुजर जाते हैं, कभी इधर से गुजर जाते हैं। तो
اصل پہ قائم رہیں تو پھر سجدہ ساو نہیں کرنا پڑتا. اور دیکھو آج کے نوا وقت میں یہ خبر چھپی ہے, ہم مسلمانوں کے لیے مقام غور ہے, ہندوؤں کا ایک تہوار آ رہا ہے جس کا نام ہے امرناتھ یاترا. وہ 43 دن ہوگا اور 43 دن اس میں اجتماع عام ہوگا. تو مودی نے جب اسے کینسل کرنے کا کہا تو آر ایس ایس اور دیگر ہندو کھڑے, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کینسل ہونے دیں گے. وہ اپنی یاترا کر رہے ہیں, مسجدیں بند کروائی مودی نے, مگر آر ایس ایس نے اعلان ہو جانے کے بعد سٹینڈ لے لیا. جب اس یاترا کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا تو 5 منٹ بعد اعلان مودی کو واپس لینا پڑا. تو کہا انہوں نے یہ ہمارا مذہب ہے, ہم نے کرنا ہے, جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کا, جو روزانہ ایک نئی منطق گھڑتے ہیں اور پھر اس پر وہ باطل مذہب والے وہ کروڑ بار جھوٹے وہ کرونا کے سامنے نہیں لیٹے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی یاترا کرنی, حالانکہ وہ 30 دن نہیں 43 دن ہے. اور 43 دن انہوں نے کہا ہم نے کرنی ہے, جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے. اور ادھر یہ صورتحال ہے کہ 30 دن رمضان حرمین شریفین خالی پڑے ہیں. اصل تو وہاں سے مسئلہ, وہاں سے لوز ہوا, وہ لیٹے تو ساری دنیا پر فتور آیا. کرونا وائرس وائرس تک رہے تو ایک بیماری ہے, آتی جاتی رہتی ہے, مگر کرونا وائرس کو کرونا فوبیا بنا دیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں, پہلا ہتھ کنڈا ویسٹ کا تھا 9/11 کہ جس کی آڑ میں انہوں نے ہر مسلم کنٹری کو اجاڑا. 9/11 کی آڑ میں کہ حملہ افغانستان پر, حملہ وزیرستان پر, حملہ ایران پر, حملہ عراق پر, شام پر, مصر پر, الجزائر پر, یمن پر, کھنڈر بنا دیا بستے ہنستے شہروں کو کہ 9/11 کے مجرم یہاں چھپے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر بمباری کریں گے. اس سے بھی بڑا حملہ ہے اس وقت کا کہ بیماری کی آڑ میں لٹا دو مسلمانوں کو, بیماری کی آڑ میں روئے زمین پر, روئے زمین پر ایک ہی چیز رہ گئی تھی مسلمانوں کی نشانی, مساجد. داڑیاں سکھوں نے بھی رکھ لیں اور لباس انہوں نے بھی یہودیوں نے بھی پہن لیے. کھلی مسجد, مسجد میں نماز, یہ زندہ اسلام کی دلیل قرار پائی پورے روئے زمین پر. تو باطل نے بیماری کے آڑ میں مسجدوں کو بند کرانے کا تجربہ کیا. اور پھر اگر بند نہیں ہوتی تو یوں کھڑا کرو کہ ثابت ہو, امریکہ کہے کہ میں تو تمہاری مسجدوں کے اندر تمہاری نمازوں تک پہنچ چکا ہوں بدلوانے میں, تم کیسے اکڑتے ہو میرے سے. اگر کسی کو نہیں تو یہ جو ٹرمپ کا انگلش میں انٹرویو اگلے دن آیا ہے وہ سن لو, وہ کیا کہہ رہا ہے. نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ٹرمپ اپنی تجویز دے رہا ہے, وہ گدا کون ہوتا ہے ہمارے رسول علیہ السلام کے حکم کے سامنے. اور پھر جو ادھر سے آتی اس کے لیے آگے ہائر کر لیے جاتے ہیں, کوئی اصحاب فتویٰ, کوئی اصحاب تقویٰ, کوئی یہ کوئی وہ. ارے بیماری بیماری ہے, مگر بیماری کی آڑ میں دین کو تو صفایا نہ کرو. شاعر اسلام, دین, نماز, تراوی, صف, فرشتوں کی بنی ہوئی تصویر پر مسلم امہ کی صف, سرکار کا حکم تراسو تراسو تراسو, مل کے کھڑے ہو, مل کے کھڑے ہو, مل کے کھڑے ہو. کون جواب دے گا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم؟
सरकार ने उसको जिसने सफ के पीछे अलहदा नमाज पढ़ी, आगे जगह मौजूद थी, फरमाया आहिद सलाता का नमाज फिर पढ़, फैन नहुला सलाता लग, तेरी कोई नमाज नहीं हुई। कौन जवाब देगा इन हदीसों का? तो इस बुनियाद पर सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज हमारे आस्ताना आलिया मुकद्दसा कैलावाला शरीफ के सज्जादा नशीन आलमी मुबल्लिग इस्लाम, हमारे बहुत बड़े सरपरस्त तहरीक सिरात मुस्तकीम और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ नमूस रिसालत के सारे महाजों पर हमारा साथ देने वाले हज़रत पीर सैयद अजमत अली शाह साहिब बुखारी अलमारूफ चंद जी सरकार, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुकद्दसा कैलावाला शरीफ, वो विसाल फरमा चुके हैं और अभी 4:30 बजे उनकी नमाज जनाजा है। आपको भी मैं शिरकत की दावत देता हूँ, मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह अभी फौरन वहाँ पहुँचूँगा और फिर 7:30 बजे मंडी बहुद्दीन में मेरे खालाजाद भाई उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुहम्मद मज़र क़य्यूम साहिब रहमहुल्लाह ताला, आज अभी रस्ते में था मैं तो उनका विसाल हो गया, अभी यहाँ से मैं फिर उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करूँगा। वो भी बड़े एक मुनफरिद इंसान थे इस अहद के अंदर, और दुनिया में जो हालात हाजरा की हज़ारों आलूदगियाँ हैं इनसे अपने आप को बचा के आज वो दुनिया से चले गए। बड़े अजीम इंसान थे और हमारा ये होश संभालने के बाद आज तक का वक़्त इकट्ठा गुजरा, बड़े ही पारसा थे हमारे प्रोग्रामों के अंदर, तस्वीर से वो बहुत ज़्यादा महफूज रहते थे, सुर्ख दाढ़ी थी उनकी, अल्लाह ताला उनको भी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके बच्चों को रब जुलजलाल अपनी रहमत का सहारा अता फरमाए। हमारी जो बड़ी खाला साहिबाएँ उनके वो फर्जंद थे और भिक्की शरीफ से ही उन्होंने हिफज भी किया, दरस निज़ामी भी पढ़ा और फिर पढ़ाते रहे। अल्लाह ताला सब को आफियत में रखे। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।